18 इयर्स या फिर उससे ऊपर जो लोग भी हैं उनको वैक्सीन जो है कोविड 19 की वो लगना स्टार्ट हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कोविड 19 की तो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। तो इसके तीन मेथड हैं, एक है आरोग्य सेतु ऐप में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक है कोविन नाम का एक एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करके कर सकते हैं, या फिर कोविन नाम की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट पर ही जाके कैसे अप्लाई करना है वो बताना चाहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी मेथड है और उससे आपको कोई भी अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना और सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोविड 19 की वैक्सीन के लिए अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोबाइल में अपने ब्राउज़र ओपन करना है, लैपटॉप में भी आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे covin.gov.in करके आपको सर्च कर देना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर ऊपर ही आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इसको इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे कोविन की वेबसाइट जो है वो आ चुकी है और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हुई हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन खुल जाएगा और यहाँ पे आपको रजिस्टर और साइन इन फॉर वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे आपको अपना जो नंबर है उसे डाल देना है। अभी आप चाहें तो आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसे डाल के उसके बाद उस पर OTP एंटर करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना जो फ़ोन नंबर है वो डाल देना है और OTP आ चुकी है यहाँ पे। OTP में यहाँ पे इजीली कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन नहीं करेगा, आपको खुद ही डालना पड़ेगा OTP। तो OTP वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है और यहाँ पे हम लोगों को मेंबर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक फ़ोन नंबर से आप चार मेंबर को फैमिली मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर कर देना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें पूछ रहा है वो आपको फिल कर देना है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, नेम एज पर पैन कार्ड और जेंडर, और उसके बाद लास्ट में आपका ईयर ऑफ बर्थ पूछेगा ताकि आपकी एज डिटरमाइन कर सके। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो वो है वो वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए कि अपॉइंटमेंट हम लोगों को ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल्ड यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो शेड्यूल नाउ पे हम लोग टैप करेंगे और यहाँ पे आप सर्च बाय पिन, तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पिन कोड है वो 27 1001 करके है, तो वो गोंडा का है, तो उस पर हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आप सर्च करके यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे अभी जो वैक्सीनेशन है वो 45 प्लस ईयर्स के लिए चल रही है और बाकी कोई भी स्लॉट्स अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके बगल में आप देखिए कि सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट भी आप कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं अगर कोई भी स्लॉट अवेलेबल होगा तो आप वहाँ पे जो अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में अभी वैक्सीन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, अभी 45 प्लस ईयर्स वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि वो लोग ज़्यादा डेंजर में आते हैं कोविड 19 के वजह से, तो उन लोगों को पहले वैक्सीन लगेगी। बाकी आपको यहाँ पे चेक करते रहना है रेगुलरली, हो सकता है आपके एरिया में वैक्सीनेशन जो है वो 18 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स के लिए भी अवेलेबल हो। बाकी जल्दी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, तो आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। इस तरीके से आप रजिस्टर करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें वीडियो में कवर कर दी, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।